हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज। अगर आप देख रहे हैं इंडियन टेक्नोलॉजी को, तो फ्रेंड्स इंडियन टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि बिहार आईटीआई का जो एग्जाम दिए थे, जो स्टूडेंट उन लोगों का रिजल्ट हो गया है जारी, तो अपना रैंक कार्ड देख सकते हैं कि आपका किस रैंक में है। तो फ्रेंड्स, हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे अपने रैंक कार्ड को देख सकते हैं, यानी कि रिजल्ट को देख सकते हैं, और ये भी हम बताएंगे कि कितना कट ऑफ पर कितना का एडमिशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और पूरा पूरा आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर को खोल लीजिएगा फ्रेंड्स, किसी भी क्रोम ब्राउजर को खोल लीजिएगा, और यहाँ पे आपको सर्च करना है BCECE, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इंटर दबाना है। सबसे पहले जो साइट खुल के आएगा फ्रेंड्स, उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुलेगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं से ऑनलाइन के लिए फॉर्म भराया था और यहीं से एडमिट कार्ड भी लोड हुआ है, यहीं से आपका रैंक कार्ड भी लोड होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में यहाँ पे एक नंबर पे बताया जा रहा है कि आपका रैंक कार्ड फॉर आईटीआई कैट 2022। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको आपका रोल नंबर मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, ठीक है। रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आपका रोल नंबर को डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और यहाँ पे शो रैंक कार्ड पर क्लिक करेंगे, तो देख पा रहे हैं कि ये आपका रैंक कार्ड आ गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका नाम और पता फादर्स नेम और मदर्स नेम आ जाएगा, आप किस कैटेगरी से हैं वो भी आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ दिखेगा और किस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं वो भी आ जाएगा। यहाँ पे कैटेगोरी बता रहा है कि कैटेगोरी रैंक, यानी कि यहाँ पे कैटेगोरी वाइज रैंक दिखा रहा है। तो ये जो स्टूडेंट है ये BC कैटेगरी से है, तो इनका BC कैटेगरी में इनका 789 है, ठीक है फ्रेंड्स। और जनरल कैटेगरी से ये बात करें तो जनरल कैटेगरी से 2407 है। तो फ्रेंड्स, इनका बहुत ही ज़्यादा नीचे रैंक है, तो ये इनका कोई उम्मीद नहीं है एडमिशन होने का। अगर उम्मीद है, अगर एडमिशन होगा भी, तो फ्रेंड्स इनका ट्रेड जो है कि ढंग का नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन और फिटर वगैरह तो नहीं मिलेगा, इतना तो कन्फर्म है। अगर मिलना ही होगा तो कारपेंटर वगैरह ये सब मिल जाएगा, हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन उम्मीद नहीं है कि ये मिलेगा। तो ये स्टूडेंट क्यों करेगा कारपेंटर, जिसमें फ्यूचर ही नहीं है, उसको करने से क्या फायदा है। तो फ्रेंड्स, इनका हम बता दें फ्रेंड्स आपको, अगर रैंक कार्ड अगर 500 के नीचे हैं BC में, ठीक है, BC में अगर 500 के नीचे हैं, तब एक उम्मीद रखिए कि आपको इलेक्ट्रीशियन या फीटर वगैरह मिल जाएगा। आप जो चाहिएगा वो नहीं मिलेगा, लेकिन उम्मीद रखिए कि इलेक्ट्रीशियन या फीटर या मैकेनिक मिल जाएगा। तो आप बखूबी समझ गए होंगे कि आपका कितना होगा। हाँ, अगर ST SC में इतना रैंक रहता तो इनको मिल जाता, आपको इनको मिल जाता इलेक्ट्रीशियन या फिटर मिल जाता, ठीक है। तो यही वो इन्फॉर्मेशन था, हम आपको बता दिए। आपको फ्रेंड्स आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम दिन रात मतलब मेहनत कर रहे हैं और हर एक बार मतलब कॉन्टेंट देते रहते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।